आप तमाम नाज़रीन का TNN उर्दू न्यूज़ में इस्तकबाल है। आज बतारीख 9 मार्च 2024 बरोज़ हफ्ता 11 बजे दिन उर्दू टीचर्स एसोसिएशन रियासत तेलंगाना महबूब नगर के ज़ेर एहतमाम आलमी योम ख़वातीन व शोर बेदारी ट्रेंड असातेज़ा प्रोग्राम का इनेकाद महबूब नगर के वाक देवी जूनियर कॉलेज के अब्दुल कलाम कॉन्फ्रेंस हॉल में ख्वाजा खुतबुद्दीन रब्बानी सदर की सदारत में मुनक़िद हुआ। मेहमाना ने खसूसी की हैसियत से मोहम्मद उबैदुल्ला कोतवाल सदर नशी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन रियासत तेलंगाना बतौर मेहमान एजाजी आनंदगौड़ चेयरपर्सन बल्दिया महबूब नगर मोहम्मद शब्बीर अहमद नायब सदर नशीम बल्दिया के अलावा डॉक्टर फजलुर रहमान मौलाना ख्वाजा फैज़ुद्दीन साहब कामिलुल हदीस जाम निज़ामिया ने शिरकत की। अलजारी बिन अहमद ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। आइए डालते हैं इस प्रोग्राम पर एक नज़र। पूरे वर्ल्ड में जैसे जब उमस के ऊपर जैसे प्रिपरेशन हुआ था वो प्रिपरेशन को दूर करने के लिए ये खसूसी डे का मदद किया जाए। इस तरह लेबर कैंप के लिए होता है उसी तरह उमस डे वंश का बड़ा इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट शिकागो में जब लेबर की मैनेजमेंट के लिए खड़ा हुआ था मैनेजमेंट के खिलाफ जैसे आवाज उठाकर जैसे लेबर जैसे जीते जब पूरे वर्ल्ड में जैसे इस डे ऑफ लेबर के मे डे थे उसी तरह वियतनाम के वार के टाइम पे जो वहां की औरतें हैं खुद को हाथ में गन पकड़कर तलवार पकड़कर लाठी पकड़ वियतनाम लिबरेशन से लड़े और उन्हीं से लिबरेशन हुआ वियतनाम। तो जब ये सो उमेश जी ने सो वहाँ पर ये हुआ पार्टी हिंदुस्तान में कायम की तो बड़ा इम्पोर्टेंस था। हम सब समझते हैं यहाँ बैठने वाले सामने बैठने वाले डेफिनेटली कोई मानव मान बहनों का समाज सुधारने के लिए जो प्रभाव हो लोग समझते हैं कि हाउस वाइफ से लोग घर पर काम देखते हैं लेकिन मेरे तजुर्बे से उससे बड़ा काम कोई समाज का नहीं होता। सिर्फ उनकी तरबियत से उनके हाल चाल से उनके कामों से उनकी परवरिश से ही ज्यादा संतोष మహిళలు మహిళలకు లేడీస్ అంటే చాలామంది గతంలో చాలా తక్కువగా అనుకునేవారు లేడీస్ ఏదాంతో తక్కువ లేదు అనే దానికి మనం ఒకటే ఒకటి ఇంట్లో మదర్ రోల్ కానీ సిస్టర్ రోల్ కానీ వైఫ్ రోల్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఏదైనా ఒక డ్యూటీ ఏదైనా ఒక అఫీషియల్గా ఒక పని అప్పచెప్తే ఒక డ్యూటీలో కూడా ఎంత డీసెంట్గా ఎంత డిగ్నిఫైడ్గా వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారంటే అంత మహిళలంటే పేషెన్సీ మహిళ అంటే అంటే మహిళలు ఏ దానికైనా వాళ్ళు సరైన న్యాయం చేస్తారు సార్ మదర్గా సిస్టర్గా వైఫ్గా ఎవరి అంటే ప్రతి విషయంలో కూడా వాళ్ళు ఈరోజు మహిళలకున్న ఓపిక సహనం వాళ్ళు వాళ్ళకున్న ఓపిక సహనంతో నిజంగా మహిళలను గుర్తించాలి మహిళలు లేదు కూడా ఏది లేదు కాబట్టి ఈ సమాజంలో మనం మహిళను గౌరవించాలి మహిళలు ఎక్కడ కూడా వాళ్ళ హక్కులను వాళ్ళను గౌరవించాలి వాళ్ళ ఎక్కడ చిన్న చూపించడం ఎంతో ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్స్ ఈరోజు ఉన్నారు కొంత అక్కడక్కడ కూడా వివక్ష చిన్న చిన్న విషయాలు యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మనం కొంత ముఖ్యంగా ఈ మైనర్ బాలికల పైన జరిగే అత్యాచారాల పైన ఖచ్చితంగా ఖండించాలి ఈ చిన్న అంటే ఈ విషయాలు అంటే ఎలా ఉండాలంటే నిజంగా చెప్తున్నా ఇలాంటివి చేస్తే సభాముఖంగా చెప్పుదలే కానీ మైనర్ ఒకటే ఒకటి మైనర్ లేడీస్ బాలికలు చిన్నపిల్లల మీద అత్యాచారాల విషయంలో మాత్రం అది మనం చెప్పలేమ స్టేజ్ పైన నిజంగా మరణశిక్ష చేయాలి। हर साल की तरह इस साल भी उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से यौम आलम ख़वातीन वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम ट्रेंड टीचर्स मुनक़िद महबूब नगर में किया गया है। वाग देवी जूनियर कॉलेज जो तकरीबन ट्रेंड असातिज़ा असातिज़ा मौलिमात और साथ ही साथ वो तलबा जो उर्दू से दिलचस्पी रखने वाले हैं शिरकत की है। मेहमानाने खसूसी की हैसियत से जनाब उबैदुल्ला कोतवाल साहब
स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन और इसी तरह से एजाजी मेहमान आली जनाब आनंद गौड़ साहब म्यूनसिपल चेयरमैन महबूब नगर, जनाब मोहम्मद शब्बीर अहमद साहब वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल महबूब नगर, इसके साथ ही साथ एजाजी मेहमान और ख़ासकर जनाब डॉक्टर फजल रहमान साहब अंसारी बिन अहमद साहब इस प्रोग्राम में शिरकत की है। असातिज़ा साहिबीन और ट्रेन असातिज़ा ने डॉक्टर फजल रहमान साहब अंसारी बिन अहमद साहब इस प्रोग्राम में शिरकत की है। असातिज़ा साहिबीन और ट्रेन असातिज़ा ने मुखातिबत किया, मुख्तलिफ मुकाबले जात में इनामत की तकसीम अमल में आई और इन तमाम के पीछे उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने जो कारकर्दगी पिछले साल से इस साल तक की है जनाब मोहम्मद सलाम खान साहब ने तफसील से रोशनी डाली। बहसियत रियासती सदर मैं ख्वाजा खुतबुद्दीन उम्मीद करता हूँ कि ट्रेन असातिज़ा के जो मुतालबात थे जैसे उर्दू पोस्टों को डी रिजर्वेशन करना और कबल अज डी एस सी टेट का इनेकाद अमल में लाना और मुख्तलिफ अपग्रेडेशन पोस्ट को जो है ना हुकूमत तक पहुँचाना, इंशाल्लाह ताला ये तमाम चीज़ें आने वाले दिनों में ज़रूर बज़रूर करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ महबूब नगर नारायणपेट नागर कन्नूल और गद्वाल के जिम्मेदारान उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने शिरकत की है, अराकीन भी शिरकत की है। मैं आखिर में जो है ना मोहम्मद एजाज अली साहब के शुक्रिया पर आज का ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा और खुसूसी खिताब जलाना मौलाना फैज़ुद्दीन साहब का रहा।